आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज से शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। सुल्तानपुर में आलिशान होटल क्यान कलार के ध्वस्तीकरण के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। वाणिज्य कर विभाग ने की छापेमारी, व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण कराने की दी जानकारी। हमीरपुर में एक युवक की कई टुकड़ों में कटी मिली लाश, पुलिस अधिकारियों ने जांच के जारी किए निर्देश। पुलिसकर्मियों ने ऑटो ड्राइवर से की गुंडागर्दी, चौकी इंचार्ज ने जमकर की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सभी राजनीतिक दलों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की मेजबानी के बीच यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। G20 की अध्यक्षता से हमें बड़ा अवसर मिला है। संसद का यह सत्र आजादी के अमृत काल में हो रहा है। मुझे विश्वास है इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का, कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है। और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद हैं उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण
हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सबका लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले, ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत सुल्तानपुर का आलिशान होटल क्यान क्लार्क इन धराशाही हो गया। अवैध तरीके से बनाए गए इस होटल में तमाम कमियां हैं। स्वीकृत नक्शे के बजाय होटल संचालक ने दूसरी तरह होटल का निर्माण करवा दिया, लिहाजा शिकायत पर सख्त हुए जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है। बहरहाल जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद मानक विपरीत निर्माण करने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये मामला है नगर के अमहट गोरा बारिक मोहल्ले का। इस मोहल्ले में रहने वाले कमर अब्बास ने क्यान क्लार्क इन के नाम से एक आलिशान होटल निर्माण कुछ सालों पहले करवाया था। आरोप है कि विनियमित क्षेत्र के इस होटल के लिए जो नक्शा पास किया गया था, होटल मालिक ने उसे ताक पर रख कर दिया और अपनी मर्जी से होटल का निर्माण करवा लिया। वहीं अब इस आलिशान क्यान क्लार्क इन होटल के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद मानक विहीन निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश किया गया है डिमोलिशन के लिए। एक्चुअल में ये इसका निर्माण जो मानक था, जो उसका मैप अप्रूव था, उसके कार्य नहीं हुआ था और इस संबंध में जांच करने पे एक शिकायत पर जांच कराई गई थी। जांच में एक बात रिपोर्ट आई थी, उनको सेक्शन 10 की नोटिस दी गई थी। नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको दो दो बार रिमाइंडर दिए गए लेकिन उसके बाद न तो टर्न अप हुए और न ही उनके द्वारा कोई उसका जवाब दिया गया। तो दोनों ही में मालूम है ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, उनको कुछ कहना नहीं है, तो उस पर फिर कार्रवाई की गई है और इनके डिमोलिशन के लिए इनका आदेश दिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष, सुल्तानपुर के आलिशान होटल को ध्वस्तीकरण किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये प्रशासन अधिकारी द्वारा होटल क्यान क्लार्क को जो है नोटिस भेजी गई है, उन्होंने ऐसा टारगेट किया है, इसको लेकर जो है कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई को लेकर बता दें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सपा का नेता है, उन्हीं का ये होटल कैन के नाम से चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, ये तो अधिकारी ही बताएगा। ये अधिकारी का जांच का विषय है, उसको गिराना है कि क्या करना है, वो तो आने वाले समय का ही बताएगा। श्री, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अलीगढ़ के पास सब्बल घुसने से सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथ के हरिकेश दुबे की मौत से परिवार में अभी भी कोहराम मचा हुआ है। मृतक के शव के भले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन अभी भी उनकी पत्नी वधावास है। मालूम हो कि मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गाँव निवासी संतराम दुबे का बेटा हरिकेश 4 दिन पहले अलीगढ़ में ट्रेन पर सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। कल पिता ने गोमती किनारे बेटे के शव को मुखाग्नि दी लेकिन दूसरे दिन भी घर पर वही मातम पसरा रहा। माता पिता और पत्नी, दो मासूम बच्चे उनकी राह तक रहे। मृतक की भतीजी ने बताया कि बीते कल 6 दिसंबर को हरिकेश के पुत्र आयांश का जन्मदिन है, ऐसे में वो बार बार पिता को याद कर रहा है। रहता था, प्राइवेट जॉब करता था, वहां से ट्रेन से एक शादी में लखनऊ आ रहा था, रिश्तेदार की शादी में, और रास्ते में अलीगढ़ के पास ये दुर्घटना रेलवे की लापरवाही से हुई, जबकि ऐसा नहीं होना था। सब्बल था,
वो कैसे कांच को तोड़ते हुए आकर के उसके गर्दन में घुस गई। कैसे आप लोगों को सूचना मिली और फिर आप कैसे गए और कैसे? हमारे गांव के एक प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उनके पास सूचना आई तो हमारे पास फोन किए। खबर गंज डुंडवारा से है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य एस आर वर्मा अपनी टीम के साथ कस्बा पहुंच गए। टीम ने प्रतिष्ठानों पर वाणिज्य कर से संबंधित कागजात, जीएसटी का पंजीयन, ऑन ऑफलाइन बिक्री का लेखा जोखा चेक किया। टीम की कार्यवाही की खबर फैलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया, बाजार में धड़ाधड़ शटर गिरने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि राज्य कर विभाग के आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। व्यापारियों द्वारा बिना पंजीकरण कराए कारोबार करने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम मंडलाई बाईपास के पास पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी हमले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया। इसी बीच बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। खबर रायबरेली के महाराजगंज थाना से है, जहां एक युवक 17 वर्षीय नाबालिग से शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के पिता ने अधीक्षक रायबरेली को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पुत्री को हरचंदपुर क्षेत्र के पूरे बैदा का रहने वाला अंकित शादी का झांसा देकर उसको दिल्ली लेकर चला गया और उसके साथ लगातार उसके बगैर इच्छा के दुष्कर्म करता रहा। जब मेरी नाबालिग पुत्री ने अंकित से शादी करने का दबाव बनाया तो वह उसके साथ मारपीट कर मेरे गाँव के छोड़ गया और कहा कि शादी नहीं करूंगा। गाजियाबाद के लोनी में दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये सारा मामला हुआ है। घटना में एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष ने उनके घर में घुसकर मारपीट की है और इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ईंट पत्थर चले हैं और कुछ लोगों ने फायरिंग की बात बताई थी, तो इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे तीनों थानों का पुलिस बल, QRT एवं यहाँ पर सभी लोग अधिकारीगण भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगभग 15 लोगों को इसमें हम लोगों ने हिरासत में लिया है। और भी लोगों को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कौन कौन इस घटना में सब शामिल थे, सारी चीज़ें वेरीफाई करी जा रही हैं और जो भी इस कृत्य में शामिल थे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। ये विवाद मूलतः दो परिवारों को, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं दो, उनके मध्य में बताया जा रहा है, तो उसमें ये इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने फिर ईंट पत्थर और ये सब कृत्य किया है। इनके विरुद्ध, सभी के विरुद्ध हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे। हमीरपुर में एक युवक की कई टुकड़ों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश के टुकड़े सड़क के किनारे बोरी और प्लास्टिक के बैग में बंधी हुई मिले। लाश के बोरी में मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को बाहर निकाल और फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद हुए शव की शिनाख्त नहीं कर पाई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, साथ ही साथ पुलिस की फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर एक बोरे में बंद मिली है। तत्काल पहले UP 112 की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और थाना इंचार्ज और मैं स्वयं यहाँ मौके पर उपस्थित हूँ, तो उक्त व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर मिली है, इसकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही इस पूरे रूट पर जो CCTV फुटेज है तो उनको भी तलाश किया जा रहा है। तो जैसा अब तक प्रारंभिक जांच में आया है कि रात्रि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ये बॉडी यहाँ पर डाली गई है और इसकी आगे जांच चल रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, डेड बॉडी गाजियाबाद के कवीनगर थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में रहने वाले व्यापारी आशीष गर्ग को जान से मारने की फोन पर धमकी मिलने पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस उपायुक्त नगर निपुण अग्रवाल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया था, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने बदमाशों की शिनाख्त की। जैसे ही बीती देर रात मुखर्जी पार्क के पास चेकिंग कर बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक
एक बदमाश दीपक उर्फ गोलू के पैर में गोली लगी, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घायल बदमाश के दोनों साथियों को भी आवश्यक बल का प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास एक तमंचा, कारतूस, खोखा और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दिनांक 2 दिसंबर को थाना कवीनगर क्षेत्र को सूचना मिली थी कि वहां पर रहने वाले उद्यमी आशीष गर्ग को रंगदारी के लिए फ़ोन आया है, जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एवं गाजियाबाद कमिश्नरेट के आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम का गठन करा गया। इसमें आज 6 तारीख को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2-3 लोग हैं, जो कि काले रंग की स्प्लेंडर से औद्योगिक क्षेत्र थाना कवीनगर के आसपास से गुजरने वाले। इसमें तत्काल पुलिस मौके पहुंच गई एवं जब पुलिस ने उस बाइक को रोकने के लिए बोला तब उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। फरीदाबाद पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ जब एक ऑटो ड्राइवर ने 4 पुलिसकर्मियों से बिना पैसे लिए जाने पर मना कर दिया तो चौकी इंचार्ज बल्लभगढ़ को गुस्सा आ गया। खाकी के नशे में चूर दरोगा ने गुस्से में ऑटो ड्राइवर को गिरेबान पकड़कर ऑटो से उसकी चाबी निकाल ली और उसका 500 रुपए का चालान कर दिया। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक उसने कई बार दरोगा से विनती की लेकिन उसने फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।